नमस्कार प्रणाम, आप सबके भाई हम अखिलेश कश्यप। और नेट के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ये वजह से पहला लाइव कट करे के पड़ल। और आप सब कैसन बानी जा? और उम्मीद करत यानी कि घर में होकर जा आप सब और बिल्कुल सेफ होकर जा। कहे से कि अभी कोविड के चलते हमनी के बिल्कुल परेशान, सब कुछ सही हो जाओ, पहले जैसा हो जाओ कि हमनी के फिर से आप सबके मनोरंजन करी जा। और आज एगो विशेष बात करे खातिर आप सबसे लाइव आइल बानी। और हम चाहत यानी कि जे हमके प्यार करेला, जे हमके मानेला, जे हमके इतना आशीर्वाद प्यार देला, तो आप लोग प्लीज मेरे लाइव को शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। के बाद लाइव आइल बानी आप सबके बीच में हिट मशीन के हिट राइटर अखिलेश कश्यप, अरे हमारे भाई लव यू। तब आज एगो हमार गाना रिलीज भइल बा। और बात तकलीफ के ही बा कि देखिए मैं बिल्कुल हंस, लेकिन कुछ दिनों से हम देखा था नहीं कि डायरेक्टली हमके टॉर्चर ट्रोल कहल जा रहा बा। कोनो भी छोटी छोटी के हमार वॉइस क्लिप, पहले के हमार फोटो, पहले के लोग हमके वायरल करते, तो कोनो बात नहीं के ही सबके संगे बात। सबसे पहला मतलब ही बा हमारा आज लाइव कि एगो हमार गाना आज रिलीज भइल बा हमनी के सुपर स्टार हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के पनवा में आती है। आप एक बात बताओ कि सब लोग फेसबुक पे गाली देते हो, सब लोग फेसबुक पर किसी ना किसी कारणवश किसी को गाली देने लगते हो, अगर हमारी गाना बात, मैंने इसमें ऐसा क्या अश्लील शब्द लिख दिया जो सब तो नहीं, सब लोग अगर 12 लाख 10 घंटे में 8 घंटे में लोग सुने हैं तो जाहिर। सतीश थोड़ा इसको चार्ज में लगा दो मेरे फोन को, सबसे बड़ा चीज बार बार नेटवर्क फ्लैक्चुएट करत रहा जैसे, टेंशन ना लीजिए भैया लव यू मेरे भाई। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने ये गाना लिखा कि चाची तुहार बाची सपनवा में आती है। उस गाने का आप कॉन्सेप्ट, जब स्टार्टिंग होता है गाना तो लड़का जब स्टार्ट होता है तभी आता है चाची चाची, वो लड़का चला जाता है अपने गर्लफ्रेंड के घर पे और उसकी मम्मी को बेशक हम भी अपने ससुराल जाते हैं, हम भी अपने घर जाते हैं, चाहे आप भी जाते हो, कि बड़े बड़े सिनेमा में आप लोग देखते हो कि जो हीरो होता है वो जो एक्टर होते हैं एक्ट्रेस के घर जाते हैं तो उनकी मम्मी को आंटी बोलते हैं लोग, चाची बोलते हैं लोग। तो इसमें तो शुरू में ही ओपन हो गया है, लड़की बोलती है कि कुकुर नियन सुन के घर के पास की है बचवा तार कहाँ घर है। तो सबसे बड़ा चीज़ बा कि वो आंटी आंटी नहीं बोलेंगे, उनको चाची नहीं बोलेंगे तो और क्या बोल सकते हैं, ये बताओ आप। ये गाना खाती विवाद, सबसे बड़ा चीज की कहता लोग हमार सबसे बड़ा हिट भइल रहे लहंगा लखनऊ भोजपुरी में ऐसा केवन लोग रहन जौन गाना के हमरा के धुन कॉपी हमार मैटर कॉपी करके ना गौले रहे लोग। मैंने आपका सेम किसी का मैटर गवाया है तो आप बोलिए मेरे गाने इतने, लेकिन मैंने किसी से बोल, मैं कभी बोलने जाता हूँ किसी को और ना मुझे मतलब रहता है, मुझे खुशी होती है चलिए भाई आपका मैटर अलग है मेरा मैटर अलग है। तो मैंने आपको अब क्यों गाली देता, अगर आपको गाली देना है, अगर आपको मेरे से युद्ध करनी है तो मैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए तो इस लाइन में आया नहीं था। मैं गाना लिखने से पहले मैं क्या करता था, आप मेरे बारे में थोड़े बैक डेट में चले जाइए, 4 साल बाद आपको पता चल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप टाइमिंग दे के मिल लेते हैं ना, जिसकी जितनी औकात होगी दिख जाएगी। अब तुम हो कहाँ हो मैं कहाँ, और तुम फेसबुक पर टाँग टाँग कर रहे हो गाली दे रहे हो, ऐसे ना हो खेला। और बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना लोग वॉच करते हैं भाई हमार, सबके लव यू, अरे मेरे भाई लव यू, सबके लव यू, सबके जियो से। तो आप लोगों के बदौलत हम लोग इतना बड़ा बड़ा रिकॉर्ड हासिल करते हैं, आप लोग ऐसे हमारा हर प्रॉब्लम में घबराइल ना जला भैया, हम लोग आपके साथ हैं। लव यू भाई रवि रौशन, लव यू टू मेरे भाई, सबके लव यू अजीत यादव जी। तो मुझे मायने वो नहीं रखता है, अगर मेरे गाने बजने से आपको प्रॉब्लम है, अगर किसी को भी है, अगर मैं आप लोगों को कांटे की तरह चुभता हूँ मेरे भाई, अगर जो मुझे ऐसे गिने चुने लोग हैं जो मेरा विरोध करते हैं,
और सबसे बड़ा चीज़ है कि मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। मैं हंसने खेलने वाला इंसान हूँ, हमेशा मैं हमेशा हंसते रहता हूँ। किसी भी प्रॉब्लम में किसी को हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, किसी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, किसी को मैं सोचता हूँ कि कोई मेरे से नाराज ना हो। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर इंसान किसी को प्यार कर रहा है, किसी को मान रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि टाइटल, भाई टाइटल ही हमारे बतावे के मतलब ना हो। टाइटल कंपनी डिसाइड करती है और कंपनी बताती है कि टाइटल क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे। वो मेरा वो नहीं है, अर्जुन यादव आर्या मेरा छोटा भाई, मेरा बाबू। तो मैं आप सबसे यही बोलना चाहता हूँ, अर्जुन गाली गलौज के हो कि नहीं कहते बेगे हो, तब कोनो बात पे गाड़ी दे दे तारा लोग, कोनो बात पे कुछ लिखे लगा तारा लोग, कुछ पढ़े लगा तारा लोग। और ये हम आज अपना आईडी से पेज से ना फेसबुक के आईडी से लाइव बनी, और हम चाहते नहीं कि हमारे बहुत ज़्यादा फेसबुक के जो एप्लीकेशन बहुत से चलाई ला, तो कुछ लोग जी हमारा फ्रेंड लिस्ट में बा वो अपने आप के बड़का ताड़ खाओ समझ आता खेसारी लाल यादव के कुछ बोल दा, अखिलेश कश्यप को कुछ बोल दा। तब सबसे बड़ा चीज ये बा कि हमारे देसी स्टार सुपर स्टार समर भैया के बड़ा हम बा, मेरे सबसे प्रिय भाइयों में से, बड़े भाइयों में से एक भैया लव यू। तो तार औकात हम जानत नहीं कि तू कतना औकात लाड़ जे गरिया दे तड़ सबनो मिल जीव तभी ना हाथ के कह दब जाए कि हो जान लिया। अगर ये लागत आ तारा कि हम गीत गाऊ नहीं तो हम छोड़ देव जाए दिन ता दबा गुंडा ही फेसबुक गुंडा बनल तू लोग छोड़ा दे वही दिन है। लेकिन आदमी लिखत अड़न गाना बजाना चुपचाप शांति से जिंदगी चाहत अड़े कि चलो तभी बस कैले बड़ा जाना तब बहुत देर ना लगी। ये नहीं है कि लोग अपन काम भुला गिल बना तू बा, और हमारा सबसे बड़ा चीज ही बा कि एगो गीते गाँव नहीं से तहरा चलावे को हो या तहरा अथू करे को हो। हम ईमानदारी से रहल बनी केहू संगे और स्वाभिमानी बन के रहल बनी हमेशा। तू हमारा बारे में बहुत कम जानत हुई बा, लेकिन तहार दादा लोग जो संगवा हो तहार लोग है वो हमारा बारे में इतिहास भूगोल कुल पूछ लिया बता दिलो ठीक बा। फेसबुक पर गाड़ी दे तारा लोग भेटा जी बोलो नू तो गोड़वा हाथवा कुल तुर के आ फेंक देव जा कहाँ पतो न चली। आदमी बर्दाश्त कर रहा है, सीमा को क्रॉस कर दिए हो तुम लोग टॉर्चर। अबे अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है मेरे लिखने से तो बोल दो ना, खुशी से बायकॉट कर दो हमें भोजपुरी से। अगर सारे लोग जिस दिन जितने पब्लिक मुझे देख रहे हैं, जितने भोजपुरी सुनते हैं, अगर सारे लोग अगर जिस दिन फेसबुक पे डाल दें कि अखिलेश कश्यप को बायकॉट करते हैं भोजपुरी से, उस दिन अगर कभी जिंदगी में मेरे मुँह से कभी भोजपुरी गाना निकल जाए तो बताना तुम लोग। मेरे गाने बजते हैं ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर मेरे गाने तुम लोगों के बाप से ज़्यादा बजते हैं मेरे लिखे हुए गाने, तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना। ये लोग मुझे प्यार देते हैं, ये लोग मुझे मानते हैं, तब ना मेरे गाने बजते हैं। ऐसे तो 200 मिलियन 300 मिलियन नहीं जाता है ना किसी के गाने। और भाई बड़ा सतोनी के गुंडा नू दो चार गो तो गुंडा ही छोड़ा दे जाए दिन एक महीना खातिर संन्यास लेनी गीत गाने से, तो उस दिन खोज खोज के जहाँ बाड़ो लो घरवा में घुस घुस के कुल जाना के बीन ले जाए जान ली है। लोग फेसबुक पर गाड़ी देता रहा आ भैल बड़े ते गुंडा लौंडा जो लौंडो में नाचते हो तुम लोग, और दो दिन के गाय वाला तोरे गाना बजाता अखिलेश कश्यप, अखिलेश कश्यप के गाना पूरा दुनिया कॉपी करे, हम तोर गाना कॉपी करब रे। थोड़ा सा हम ट्रेवल करता नहीं और ये वजह से नेटवर्क फ्रैक्चुएट करा था। तब सबसे बड़ा चीज भाई यार हम जब सलीखे से रह रहे हैं हमको किसी से मतलब नहीं है। लव यू टू मेरे भाई अजीत यादव जी, सबके लव यू मेरे भाई। अगर मैं तुम्हें चुभता हूँ, जितने लोग हैं मेरे साथ ही रहने वाले लोग, हम लोग कुछ लोग बा, अगर देखा गाना हम भगवान तो है ना कि जितना गाना लिखब सब गाना हमारे बजबे करी, सब गाना हिटे हो, वो मैटर नहीं करता है गाना। मैं भगवान नहीं हूँ और ना कोई भगवान है कि सब गाने किसी के बजेंगे। बाकी सारे कलाकार कहाँ जाएंगे जब हम ही लोग का सिर्फ बजेगा, तो सबका बजे हमारी भोजपुरी भाषा जो है वो आगे बढ़े। आदमी काम कर रहा है, इसमें कौन सा मैंने गलत शब्द लिख दिया है आप मुझे बताओ। मेरे गाने में कहाँ
ऐसा मैं अश्लील शब्द यूज करता हूँ, इतना बड़ा बड़ा मेरा गाना हिट हुआ, आप लोग बताओ। हर गाने का विरोध। अच्छा ठीक भाई, गाना का हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मानते हैं कि अगर आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी, मैं गाना गलत है चाहे आपके नज़रों में गलत है, लेकिन मेरे अच्छे गाने को प्रमोट क्यों नहीं करते हो तुम लोग, ये बताओ। अच्छा गाना भी आया है ना मार्केट में, अखिलेश कश्यप के अच्छे अच्छे गाने भी बजे हैं ना, कितने बार तुम लोग फेसबुक पे डाले हो। तो सबसे चीज है कि हमारा से ज्यादा कौन जना के गाने ना कॉपी भइल होई, लेकिन मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ, मैं एक शब्द किसी को नहीं बोलता हूँ कि चलो भाई ठीक है, सब लोग क्या हो गया मेरे गाने बज रहे हैं, अगर मेरे ज़्यादा मेरे में दम होगा तो मेरे गाने बजेंगे। मैं कब किसको बोलने गया हूँ, सैकड़ों मेरे धुन चोरी किए गए, सौ गाए थे, तुम लोग भी गाए थे, सब लोग गाए थे, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ कि मैंने कभी किसी को बोलने गया यार, मुझे मतलब ही नहीं रहता है किसी से, मैं अपनी दुनिया में मस्त रखता। और सबसे बड़ा चीज़ कि तुम लोग गुस्सा दिल रहे हो तो तुम लोग को लगता है कि अखिलेश कश्यप का हिम्मत टूटेगा, वो फ्लॉप। बार मुझे टॉर्चर किए हो, ट्रोल किए हो, उतने बार मैंने बड़ा बड़ा गाना दिया है, इतिहास तुम लोगों को पता ही होगा। लांगा लखनऊ में किया तो उसके जस्ट एक महीना बाद भतीजवा हिट हुआ, उसको तुरंत तुम लोगों ने फिर से किया तो हाई हील सैंडील लवर से शादी जितने गाने बजे। तो और कोई बोलता भाई हमारा ये कमेंट किया है कि हर बार भैया आप पे आरोप क्यों लगते हैं, देखो भाई ये प्रकृति का नियम है, अगर मेरा नाम है भैया थोड़ा सा आईडी से लाई बनी थोड़ा पेज वाले शेयर कर दे, हाँ पेज से कह दी हमरा तब ना नहीं के पेज खुल पाओ हमरा इसने लाई बनी भैया तनिक कह दी ना। तो सबसे बड़ा चीज है मेरे भाई कि विरोध जरूरी है, अगर मेरा जोरों से विरोध हो रहा है ना, कहीं ना कहीं मेरी गाड़ी विकास की पटरी पे बहुत तेजी से दौड़ रही है, तो मुझे फर्क नहीं। और सबसे बड़ा चीज है अगर हमारा गाना तू लोग के सही नहीं खेलागत, जरा भी नहीं खेलागत, तो मैं गाली का देवे के भाई ओकरा में दूगो ऑप्शन बा, लाइक डिसलाइक, आप डिसलाइक कर दीजिए मेरा गाना, इसमें गाली गलौज की कहाँ से बात आ जाती है, इससे हमारा इंडस्ट्री या हम लोग आगे थोड़े बढ़ेंगे कि आप फेसबुक पे गाली दोगे मुझे मेरे कमेंट में आके। जाहिर सी बात है मेरे आईडी पे, मेरे फोटो पे, चाहे पेज पे मेरे 20,000 लोग कमेंट करते हैं, तो मैं कहाँ से देख के किसको रिप्लाई करने जाऊँ और मैं कितनी गालियाँ डिलीट करूँगा। दूसरा लोग स्नैपशॉट लेके भेजता है मुझे कि भैया इसने आपको गाली दिया, इसने आपको गाली दिया, तो मैटर वो नहीं रखता है, हम लोग भी इंसान हैं और हम लोग चाहते हैं कि सब लोग प्यार से रहे, अच्छे से रहे। अगर आप लोग को मेरा गाना अगर मैं चुभने लगा हूँ आप लोगों को, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग बाइकॉट कर दीजिए मुझे, मुझे भोजपुरी में रहने का कोई हक नहीं है, चाहे इतने बहुत सारे भाई हैं वो भी बोल दें कि मुझे रहने का हक नहीं है, नहीं रहेंगे, इतना ज़्यादा टॉर्चर करने की क्या बात है। तो भाई मेरा लिख रहा है 2 रुपया वाला, अरे भाई मैं आप लोगों को कभी बोल ही नहीं सकता हूँ, आप लोगों ने यहाँ तक लाया और इतना गीत गाने में लेखनी में इतना बड़ा आप लोगों ने नाम दिया है, माता रानी और माई के कृपा और आप सबके आशीर्वाद प्यार रहेला कि अगर आपके भाई कभी भी प्रॉब्लम होला एक बार फेसबुक पर आईला तो आप सब हमेशा हमारा खातिर खड़ा रही ले जाओ। तब सबसे बड़ा चीज़ बाकी हमनी के जौन भोजपुरी हो गई बाई एकरा पब खेसारी बिया के साथ रहते हैं, खेसारी बिया को ज़्यादा गाने देते हैं तो इसमें जातिवाद होने लगती है कि खेसारी लाल यादव को क्यों सपोर्ट करते हो। देखिए हम लोग इंसान हैं, हम जिसको गाने देते हैं, खेसारी बिया हुए, अरविंद अकेला कल्लू जी हुए, चाहे अंकुश राजा भाई हुए, चाहे गुंजन भैया हुए, समर भैया हुए, एवरी वन रंजीत, जितने भी लोग हैं, अंतरा जी हुई, विकास, जितने मुझे खुद ही चाहे पवन भैया के भी पहले गाना दिले रहनी, हमरा केहू से तुम्हें सही है नहीं खे और ना हमरा मुँह से कबो केहू कोनो कलाकार खाती उल्टा पुल्टा निकल सकेला। और आप लोगों ने, मैं आप लोगों को बधाई दे देता हूँ पहले ही,
कि आप लोग जो लोग ये सब कर रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे टेंशन दे रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को बता दूं कि एक हिट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। बहुत बड़ा हिट आप लोगों के बीच में मैं दे के फिर साउंड में बजेंगे हम लोग, तो मुझे टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से, लेकिन आप फ़ोन लगातार 4-5 दिन से बंद किए हैं बिना मन के फ़ोन करके, ये वो लंद फंद आप लोग, तो मुझे बुरा लगता है। मैं भी इंसान हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा ढंग तरीके से अपनी भी ज़िंदगी चले, लेकिन आप लोगों ने, आप लोगों को जितने लोगों को प्यार किया, अगर मेरे वैसे लोग मेरे से नाराज़ हो जाते हैं कि अगर मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा पाऊँ, किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया उसका रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, तो वो स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे डाल देंगे कि अखिलेश कश्यप बड़ा आदमी हो गया है, राइटर हो गया है, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो किसी को उतना ही तक किया जाए, शुरू से जब से मैं इंडस्ट्री में कदम रखा तब से मुझे परेशान करना, मुझे टॉर्चर करना, हमेशा आप लोग को मैं मानते गया सबको, मेरे साथ गलतियां पे गलतियां होती गई, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया, मैंने भोजपुरी के लिए ऐसा क्या गलत कर दिया जो मुझे इतने गालियां देते हो कुछ चमचे लोग। जो प्रॉब्लम यही है ना कि तुम्हारे पापा लोगों को मैं गाना नहीं दे पाता हूँ इसीलिए मुझे गाली देते हो, तुम्हारी मम्मी को, तुम्हारे पापा को मैं गाली नहीं दे गाना नहीं दे पाता हूँ, या उन लोगों से मेरा लगाव नहीं हो पाता है, मेरा दिल नहीं जुड़ पाता है, इसीलिए तुम लोग गाली देते हो क्या बे? तो कायदा कानून से रहिए, और मैं गुस्से में, मुझे नहीं बोलना चाहिए ये सब, लेकिन ये लोग मुझे टॉर्चर करके बुलवा रहे हैं। राहुल जी स्ट्रगल देख ले बा भैया, वह जानी कि आप कितना मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। अरे हमारे भाई, लव यू मेरा भाई प्रभाकर, मेरा छोटा भाई, और भाई अभी तो एक न्यू चैनल भी खोल दिया है, लव यू, टेंशन मत लो मर्दे, टाइम ही तो है गुजर जाएगा। थैंक यू मेरे भाई, भतीजवा के मौसी टू ले आई भैया, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। और हम केहू के गाली ना दे सकीला, और हमारे वो गंदा वीडियो वायरल भइल रहे जो कि हम नया नया बिल्कुल वो घड़ी रही लाइन में, और बहुत पहले घड़ी वो क्लिप लोग वायरल कर दिले, ओकरा खातिर हम सॉरी भी बोल ले रही। तो सबसे बड़ा चीज़ बा कि भाई हम भी इंसान हैं, और बहुत दर्द होता है जब आप लोग मुझे परेशान करते हो, तो मैं आप लोगों के भरोसे चलता हूँ यार। आप लोग मुझे हौसला बढ़ाते हैं जब आप लोग मुझे प्यार देते हैं ना, जब आप लोग बोलते हैं कि भैया आपने क्या लिखा है, भैया आपका ये गाना अच्छा है, मुझे काम करने का हिम्मत मिलता है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि सच में यार मुझे लिखने नहीं आता है, सच में मैं हारने लग रहा है कि मैं धीरे 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 हारते जा रहा हूँ। ऐसे आप लोग किसी इंसान को आप अगर प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं तो उसका हौसला गिराने का आपका कोई हक नहीं बनता है। और मुझे सब भाई हमारे लव यू, और ये मैटर क्यों के चोरावल ना भाई, तू गौले बड़ा कम का, तो ये वायरल चीज़ है और सब लोग गा रहा था, तो हम लोगों ने आपका ना धुन लिया है ना शब्द लिया है, तो कहाँ से आपका गाना चोरी हो गया? मैंने अखिलेश कश्यप को कुछ बोल के ही ठजब, यही बात है पागल जो सब आप गाली माँ बहन के दे रहे हो यार फेसबुक पे लाइव आगे, कोई भी थोड़ा सा ढंग तरीके से रहो। कश्यप को हरावेला तो ये होला, अरे भैया लव यू हमार अनुराग फिल्म जियो अनुराग। और लोग बोलते हैं, मुझे याद है कि अरविंद अकेला कल्लू के जिंदगी का सबसे बड़ा गाना अखिलेश कश्यप ने दिया है 160 मिलियन तारा द्वारा बाजत हुई डीजे, उसके जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा गाना साली जी सहारा करो अखिलेश कश्यप ने दिया, लहंगा लखनऊआ भतीजवा के मौसी जिंदा भाग, कितने गाने मैं गिनाऊं, पवन भैया के भी लिख ले रही महादेव के दीवाना राजस्थानी घगरा, चाहे बहुत बड़ा बड़ा गाना रितेश पांडे जी के भी लड़की धोखे बाज, आई एम राउंड यू आर राइट इट्स ओके, चाहे होली में जितना भी गाना आदमी कहले गुंजन भैया खाती समर भैया खाती, किस गाने को बोलते हो बे कि चोरी का है?
किसका मैं चुराने गया। हाँ मैं वायरल चीज़ें लिखता हूँ और मेरे गाने में अश्लीलता नहीं रहती है, ना मैं चाटने धोड़ी चाटने वाला और गाल काटने वाला और खोपचा में जाने वाला गाना नहीं लिखता हूँ, इसलिए तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा दिन कितना भी गिर जाएगा, अखिलेश कश्यप के गाने हमारी मम्मी भी सुनती है, हमारे पापा भी सुनते हैं, हमारे रिश्तेदार भी सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं, तो मैं अपना स्तर उतना नहीं गिरा सकता हूँ, बजे या न बजे, कि मैं कभी अश्लील गंदा और वल्गर गाना लिखूँ। मैं खुश हूँ और मेरे गाने साफ़ सुथरे होते हैं और मैं साफ सुथरा गाना अपना बजवा के दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, मेरा ऐसे ही चल रहा है। तो आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद प्यार अपने भाई को देते रहिए और इस लाइव को इतना शेयर कर दीजिए, और जितने भी मेरे भाई हैं टेंशन ना ली भैया, कुछ कोई ना उखाड़ी, थैंक यू मेरे भाई, सबके सबके लव यू मेरे भाई सबके, खर्चा खूब करत अड़ होता जी लगे से। सबके लव यू, आप लोग सेफ रही जा, अभी थोड़ा सा कोविड के खतरा कम भइल बा, तो हम चाहत नहीं कि आप सब जल्दी जल्दी सब लोग घर से बाहरी निकली, ख़त्म हो जाओ सब। बहुत जल्द आवता गाना भाई, बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े गाने आएंगे। विनय मिश्रा जी हमारे बक्सर जिला के हमारे घर जीवन बहुत तगड़े गायक भैया को देख के हम लोगों ने लिखना चालू किया। और मैं फिर से बता देता हूँ भाई, अगर आप लोग जुड़े हैं बाद में सब लोग, पहले बहुत कम लोग जुड़े थे, तो आप लोग जितने लोग जुड़े हैं ये गाना आप एक बार सर्च करके और सुन लीजिए, उसके बाद मुझे फिर बताइएगा कि ये गाने, मैंने गाने को जब स्टार्टिंग हुआ है तो वो लड़का अपने गर्लफ्रेंड के घर गया है और गर्लफ्रेंड की उसकी माँ पूछती है कि बबुआ कहाँ घर रहता है, तो वहीं बताता है, उनको क्या बोल सकता है, वो चाची ही बोलेगा, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की आंटी को अपनी मम्मी को बोल रहा है वो चाची, तो इसमें कोई स्पष्ट चीज़ है यार, पागल हो कि तुम लोग ऐसे बात करते हो, जब गाने सुने ही नहीं पोस्टर पे क्यों जा रहे हो। भैया वो मुझे दिन याद है जब आप रात भर जगते थे, आशा 4 साल पहले की बात है, आप सोते ही नहीं थे, रात भर परेशान रहते थे और इतने गाने लिखते थे, कोई नहीं जान सकता आप एक ब्राह्मण हैं और सबसे पहले एक इंसान है, आपको दिल से सैल्यूट है, अरे हमारे भाई प्रभाकर, लव यू भाई, सबके लव यू, अभिषेक यादव सब लोग के, वैष्णवी जी लव यू, सबके सबके बहुत ज़्यादा सबके कमेंट किए के पढ़त नहीं कि हम बोल देते नहीं अपन बात। तो गाने का आप स्पष्ट आप लोग जाके आदिशक्ति फिल्म पे सर्च कीजिए और सुनिए और सुन के बताइए, गाने में कहीं से कोई झंझट नहीं है, फालतू का या कश्यप का हमारे कौन गाना वाला तो खा जाने का है, आप लोग विरोध करते इतना तगड़े तरीके से, अरे सब ना बाजी सब रिकॉर्ड नहीं बनाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो लोगों को मेरे से प्रॉब्लम है मैं जानता हूँ कितने लोग मेरे से प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग हमारे भाई हैं, मैं आप लोगों का कभी विरोध नहीं करता हूँ, जितने लोग मुझे प्रॉब्लम देते हैं ये सब करवाते हैं उन लोगों को मैं गुरु मानता हूँ, अपना बड़ा भाई मानता हूँ और मैं अपने मेहनत पे ध्यान देता हूँ। थैंक यू सो मच आप सबके, फिर मिला था नहीं जाए, आप सबसे लव यू।